हेलो गाइस, माय नेम इज नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछले कई दिनों में मुझे कई ईमेल्स आए हैं आप लोगों की साइट से, जहां पे कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि वो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और वो लोग डेटा साइंस में स्विच करना चाह रहे हैं, और सिंस वो नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं उनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है डेटा साइंस में स्विच करने में वो है प्रोग्रामिंग की। मतलब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रोग्रामिंग कैसे पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, जिसको पढ़ करके वो डेटा साइंस में इजीली स्टार्ट कर पाए अपना करियर। सो, अगर आप उन लोगों में से एक हो या फिर आप अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो डेटा साइंस में एंट्री, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं विद इन 15 मिनट्स आपके लिए एक पूरा रोड मैप काइंड ऑफ सेट करूंगा कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग कितनी पढ़नी है और कहाँ से पढ़नी है। यस, मैं आपके साथ वो रिसोर्सेज भी शेयर करूंगा जिनको फॉलो करके आप अच्छा पाइथन प्रोग्रामिंग सीख सकते हो डेटा साइंस के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, मैंने पूरा वीडियो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको वन बाय वन टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको पढ़ने चाहिए, और मैंने एकदम जो टॉपिक्स एकदम चाहिए हैं बस उन्हीं टॉपिक्स को रखा है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैंने हटा दिए। सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से वो टॉपिक्स पढ़ सकते हो, लाइक क्या लर्निंग रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो, और लास्ट पार्ट में मैं आपको बस अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए। ठीक है, अब बिफोर स्टार्टिंग दो अजम्पशंस मैं लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट, कि आपको ये ऑलरेडी पता है कि डेटा साइंस में आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, डेटा साइंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स एक्चुअली। फर्स्ट मैथमेटिक्स, सेकेंड कंप्यूटर साइंस विच बेसिकली मीन्स कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग, और थोड़ा बहुत और कुछ टूल्स लाइक SQL एक्सेट्रा। और थर्ड जो चीज होती है डेटा साइंस में वो होता है डोमेन एक्सपर्टीज। ठीक है, तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिकम अ गुड डेटा साइंटिस्ट। तो ये तो क्लियर है कि प्रोग्रामिंग करनी है। दूसरा एक और अजम्पशन मेरा ये है कि आपको पता होना चाहिए आज के रेट में कि जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आज की रेट में, दैट इज पाइथन। सो मैं ये पूरा वीडियो पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। कुछ लोग और कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करते हैं, जैसे रिसर्च के डोमेन में जो कॉलेजेस में रिसर्च होता है वहां पे आर बोल के एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता है। और अगर आप बिग डेटा के ऊपर काम कर रहे हो, लाइक आप हाडूप और स्पार्क और इस तरह की टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हो सकता है जावा साइड आपको जाना पड़ जाए। बट मैं मेजॉरिटी लेके चल रहा हूँ कि जो ज्यादातर जॉब्स हैं वहां पे आपको पाइथन की ही रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अब हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको वो टॉपिक्स करने में कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, सो सबसे पहला पार्ट जो आपको पाइथन सीखने के टाइम सीखना पड़ेगा वो है बेसिक सिंटैक्स। इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपको उसके बेसिक सिंटैक्स के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ठीक है, अब बेसिक सिंटैक्स इंक्लूड्स दैट यू लर्न हाउ टू राइट बेसिक प्रोग्राम्स। ठीक है, एक कैलकुलेटर बना के देख लिया, या फिर आई डोंट नो कोई यूनिट कन्वर्टर बना के देख लिया। इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स अगर आप लिखोगे तो आप बेसिक सिंटैक्स में कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको ऑपरेटर्स सीखना पड़ेगा। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो ऑपरेंड्स के ऊपर काम करके आपको कुछ रिजल्ट देते हैं। सो पाइथन में बहुत सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, एक बहुत स्पेशल ऑपरेटर होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स आप अनकॉन्शियसली कई बार यूज करोगे वाइल वर्किंग विथ रियल डेटा इन डेटा साइंस, तो ये ऑपरेटर्स जानना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ एल्स स्टेटमेंट्स। अगर आपने कभी भी किसी भी लेवल पे प्रोग्रामिंग किया है तो आपको पता होगा कि प्रोग्राम को स्ट्रक्चर देने के लिए, एक कंट्रोल फ्लो देने के लिए आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हो। ठीक है, या ब्रांचेस क्रिएट करने के लिए आप इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज करते हो, और फ्यूचर में भी जब आप छोटे छोटे भी प्रोग्राम्स लिखोगे वहां पर यू वुड सी कि आप इफ एल्स स्टेटमेंट अनकॉन्शियसली कई बार यूज कर लोगे। ठीक है, लास्टली बेसिक सिंटैक्स में एक चीज जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए वो है लूप्स। ठीक है, बेसिकली एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट जहां पे आप अगर कोई चीज को मल्टीपल टाइम्स करना चाहते हो तो उसको आप डायरेक्टली लूप में डाल देते हो। ठीक है, लूप्स में दो तरह के लूप्स होते हैं पाइथन में, एक होता है व्हाइल लूप, एक होता है फॉर लूप।
मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस में आपको बताता हूँ कि वाइल लूप उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, ऑल्दो आपको आना चाहिए, बट जो लूप सबसे ज्यादा यूज होता है वो है फॉर लूप। तो आपको फॉर लूप के साथ काफी प्रैक्टिस करना चाहिए। ऑल्सो आपको नेस्टेड लूप्स आने चाहिए, मतलब लूप के अंदर लूप्स कैसे चलाए जाते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको इस तरह के सिचुएशन में पढ़ना पड़ सकता है, या फिर आप कभी कभी किसी दूसरे का कोड देखोगे तो वहां पे भी हो सकता है कि उन्होंने नेस्टेड लूप्स यूज किए हो। ठीक है, अब मेरे हिसाब से अगर आप ये अच्छा वन लास्ट थिंग, फंक्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं, आप एक बड़े प्रोग्रामिंग टास्क को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हो और हर छोटा चंक एक फंक्शन होता है। अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो तो लॉगिन उसमें एक फंक्शनैलिटी है, तो आप लॉगिन करने का एक अलग फंक्शन बना लोगे, रजिस्ट्रेशन का एक अलग फंक्शन बना लोगे। तो इस तरह के यूज केस में आप फंक्शंस बहुत यूज करते हो आपके कोड को मॉड्यूलर करने के लिए। सो जब आप डेटा साइंस में भी काम करोगे वहां पे आपको बहुत जगहों पे खुद के फंक्शंस बनाने पड़ सकते हैं, तो यू विल हैव टू बी कंफर्टेबल विथ मेकिंग फंक्शंस। ठीक है, अब मेरे हिसाब से ये पूरी चीज अगर आप पढ़ने जाओ सीरियसली और आप पर डे 2 घंटे का भी टाइम इन्वेस्ट करो तो आप 2 से 3 दिनों में ये पूरी चीज सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि पाइथन एक बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका सिंटेक्स बहुत ही इजी है, आपको झट से समझ में आ जाएगा। इट वुड हार्डली टेक 6 to 8 hours मेरे हिसाब से। ठीक है, नाउ अगर आपने बेसिक सिंटेक्स कंप्लीट कर लिया तो अब आपको डेटा टाइप्स के ऊपर मूव करना चाहिए। ठीक है, सो पाइथन में अलग अलग डेटा टाइप्स हैं, बट उनमें से जो सबसे ज्यादा डेटा साइंस में यूज होते हैं वो है लिस्ट, स्ट्रिंग्स और डिक्शनरीज। ठीक है, इसके अलावा और भी डेटा टाइप्स होते हैं जैसे सेट्स होता है, बट वो मैंने ज्यादा यूज नहीं किया डेटा साइंस में पर्सनली। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है लिस्ट, फिर स्ट्रिंग्स और फिर डिक्शनरीज। अब आपका काम यह है कि आप इन तीनों को इन एंड आउट पढ़ लो, इनके इर्द गिर्द जितने भी फंक्शंस हैं हेल्पर फंक्शंस वो आप देख लो, और इनके ऊपर ऑपरेशंस कैसे अप्लाई किए जाते हैं ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए। इनके अलावा एक और चीज जो आपको पढ़नी चाहिए वो है वर्किंग विद डेट्स। फ्यूचर में आप ऐसे कुछ डेटा सेट्स के साथ काम कर सकते हो जहाँ पे डेट मैनिपुलेशन बहुत यूज होता है, तो उस तरह के सिनेरियोज में आपको डेट्स के साथ काम करना भी आना चाहिए। अब अगेन मेरे हिसाब से ये पूरी चीज को करने में आपको अगेन 2 से 3 दिन लगेंगे, या फिर आप बोल सकते हो लगभग 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, आपको थोड़ा बहुत फंक्शनल प्रोग्रामिंग आना चाहिए। ठीक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। हम जो प्रोग्रामिंग सीखते हैं सबसे पहले वो होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, उससे थोड़ा अलग है आपका फंक्शनल प्रोग्रामिंग। जैसे यहाँ पे लूप्स नहीं होते, यहाँ पे रिकर्शन होता है, यहाँ पर आप अलग टाइप के फंक्शन क्रिएट करते हो जिनको आप लैम्डा फंक्शन बोलते हो, तो सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे रिकर्शन जैसा कॉन्सेप्ट शायद आप यूज ना करो डेटा साइंस में, बट लैम्डा फंक्शन आपको फॉर श्योर सीखना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बार जाने अनजाने में लैम्डा फंक्शंस यूज करोगे फ्यूचर में। ठीक है, यू शुड ऑल्सो लर्न दीज 3 फंक्शंस, मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। और हायर ऑर्डर फंक्शंस बोल के कॉन्सेप्ट होता है, हायर ऑर्डर फंक्शंस एक ऐसा फंक्शन है जो इनपुट में एक दूसरा फंक्शन लेता है। ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लो तो आई गेस सफिशियंट है फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर। अगेन इट वुड टेक हार्डली 1 डे, 2 घंटे में आप ये सारे कॉन्सेप्ट आराम से सीख सकते हो, इनफैक्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए ये सब सीखने के बाद। पहला है फाइल हैंडलिंग। सो होगा क्या कि आप फ्यूचर में डेटा सेट्स के साथ काम करोगे और डेटा सेट्स जो होंगे वो एक्सटर्नल फाइल्स के फॉर्म में स्टोर्ड होंगे, तो उनको कैसे लोड करना है, उनको कैसे मैनिपुलेट करना है, उनमें कैसे चेंजेस करना है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो उसके लिए आपको फाइल हैंडलिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है, सेकंड इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो कई बार कोड फटता है, उसको हैंडल कैसे किया जाता है वो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग में सीख जाओगे। नेक्स्ट इज रेगुलर एक्सप्रेशंस। सो अगर आप कभी फ्यूचर में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर काम कर रहे हो तो रेगुलर एक्सप्रेशंस आपको हेल्प करते हैं एक गिवन स्ट्रिंग के अंदर से किसी भी फॉर्म में एक दूसरे स्ट्रिंग को सर्च करना है अगर आपको, तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो वहां पे। अब ये कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं और इनको सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, सो अगेन 3 से 4 दिन आप मैक्स टू मैक्स में ही सीख जाओगे। ठीक है, नाउ कुछ चीजें जो आप स्किप कर सकते हो बट अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है। सबसे पहली चीज है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओओपी। सो ओपी क्या होता है, इट इज अगेन अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग प्रोग्रामिंग। इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो जितने भी रियल एप्लीकेशंस बनते हैं, रियल वर्ल्ड बेस्ड एप्लीकेशंस बनते हैं, ओला, उबर, स्विगी, इन सबको बनाने में ओओपी यूज होता है। सो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए ओओपी का यूज होता है, और जितनी भी आप लाइब्रेरीज फ्यूचर में यूज करोगे उनको भी बनाने में ओओपी का यूज
हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट्स लाइक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इस तरह की अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, तो आप कभी स्ट्रगल नहीं करोगे अगर किसी ने पढ़ाते पढ़ाते बोल दिया कि हमने यहाँ पे एक क्लास यूज किया या हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यूज किया। तो बहुत थॉरो जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस बेसिक लेवल पे बस ये कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। नेक्स्ट फ्लास्क बोल के एक माइक्रो फ्रेमवर्क है पाइथन का, जिसको यूज करके आप वेबसाइट्स बना सकते हो, ठीक है। तो फ्यूचर में जब आप मशीन लर्निंग मॉडल्स बिल्ड करते हो तो आप उनको वेबसाइट्स वगैरह में कन्वर्ट करते हो, तो वहां पे जो सबसे ज्यादा यूज होता है फ्रेमवर्क वो है फ्लास्क। तो अगर आपको एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है कि एक बेसिक वेब पेज कैसे बनाया जाता है फ्लास्क को यूज करके, तो आगे जब आप सीखने जाओगे तो उतनी परेशानी नहीं होगी। तो एक दो घंटे के सेशन में आप फ्लास्क का बेसिक्स बहुत आराम से सीख सकते हो। इनफैक्ट मेरे चैनल पे एक वीडियो है जो एक घंटे का है, और अगर आपने वो देख लिया तो आपको फ्लास्क समझने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। यू शुड ऑल्सो हैव सम एक्सपीरियंस विद एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। आप बहुत सारे पैकेजेस यूज करोगे, आप scikit-learn यूज करोगे, आप numpy यूज करोगे, आप TensorFlow यूज करोगे, आप Keras यूज करोगे। सो ये सारी लाइब्रेरीज एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं, इनको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है फिर आप इनको यूज करते हो। तो एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर आपको पहले से हो कि लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, उनको लोड किया जाता है कैसे किया जाता है, या फिर उनके फंक्शंस को यूज कैसे किया जाता है, अगर आपको थोड़ा भी एक्सपीरियंस होगा तो आप किसी भी लाइब्रेरी के साथ काम कर पाओगे। तो ये तीन चीजें मैंने ऑप्शनल रखी हैं, बट अगर आप इनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो तो आपको फ्यूचर में काफी टाइम बचेगा, ठीक है। अगेन ये सब कुछ सीखने में मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज ये सब कुछ थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बड़ा है। तो आई हैव एस्टिमेटेड कि इसमें 7 दिन के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। सो पाइथन सीखना सफिशिएंट नहीं है, आपको दो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज मेरे हिसाब से सीखनी चाहिए। पहला है numpy, शायद आपने नाम भी सुना होगा। सो numpy इज अ लाइब्रेरी जिसको यूज करके आप लीनियर एल्जेब्रा के बहुत सारे काम करवा सकते हो यूजिंग पाइथन, ठीक है। यहाँ पे और बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जिसको यूज करके आप स्टैटिस्टिक्स वगैरह के कॉन्सेप्ट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने वर्कफ्लो में। तो अगेन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी, और अगर आपको डेटा साइंस सीखना है तो ये लाइब्रेरी आपको अच्छे से पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लाइब्रेरी है, इट्स पैंडास। पैंडास डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है, और इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। आप कोई भी प्रोजेक्ट उठाओगे, आपको वहां पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो पैंडास ही होगा। तो ये दिस इज लाइक ऑक्सीजन फॉर डेटा साइंस, जिसके बिना आप जी नहीं सकते। ये दो लाइब्रेरीज के ऊपर आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से numpy आप 2 दिन में सीख सकते हो। और पैंडास का जो बेसिक्स है, पैंडास बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत सारे फंक्शंस है, बट जो बेसिक रिक्वायर्ड पैंडास है वो सीखने में आई गेस आपको 5 दिन सफिशियंट है, ठीक है। नाउ एक चीज और जो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से आनी चाहिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग डेटा साइंस, कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है प्रोग्रामिंग में, इसकी समझ होनी चाहिए आपको, ठीक है। सो लेट्स से आपके पास कुछ रियल वर्ल्ड डेटा है, कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है, उनका एज कितना है, उनका जेंडर क्या है, उनके मार्क्स क्या है, उनका प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, तो इस तरह के डेटा को आप प्रोग्रामिंग में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड, कई बार आप टेक्सचुअल डेटा के साथ काम करोगे, या फिर इमेजेस के साथ काम करोगे, या फिर हू नोस वीडियोस के साथ काम करोगे, तो उस तरह के सिनेरियोज में उस तरह के डेटा को प्रोग्रामिंग में कैसे स्टोर किया जाता है और कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन इस चीज से रिलेटेड भी एक वीडियो है मेरे चैनल पे, मैं उसको इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। लास्टली आपको कुछ डेटा फॉर्मेट्स के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। फ्यूचर में आप कभी भी किसी डेटा सेट के साथ काम करोगे तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो डेटा सेट CSV फॉर्मेट में हो, तो आपको CSV फॉर्मेट के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। इट्स बेसिकली एक्सेल फाइल का फॉर्मेट। ऑल्सो अगर आप कुछ APIs के साथ काम कर रहे हो फ्यूचर में, तो हो सकता है आपको JSON यूज करना पड़े, तो JSON फॉर्मेट के साथ भी आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा, ठीक है। अगेन इन दोनों फॉर्मेट्स के ऊपर भी मेरे चैनल पे वीडियोस हैं, ठीक है। अगेन ये पूरी चीज पढ़ने में मेरे हिसाब से आपको 2 दिन लगने चाहिए। नाउ कुछ लोगों को कुछ डाउट्स आते हैं, और पहला डाउट ये आता है कि क्या हमें डेटा साइंस सीखने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि जब भी कभी बोला जाता है कि प्रोग्रामिंग सीखो तो हमेशा सेम ब्रैकेट में रखा जाता है कि प्रोग्रामिंग सीखने का मतलब है डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम सीखना। द गुड पार्ट इज, द गुड न्यूज इज कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आपको एज अ डेटा साइंटिस्ट डे टू डे जॉब में डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, मैं कंप्यूटर साइंस के जो सॉर्टिंग सर्चिंग और इस तरह के जो एल्गोरिदम्स मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी जरूरत आपको नहीं पड़ती है,
सो इफ यू आर स्टार्टिंग टू लर्न डेटा साइंस, ये गलती मत करना कि पहले आप DSL को लगाने बैठ गए और आप 2 महीने वही करते रह गए और उसके बाद आप डेटा साइंस में घुस लो. दैट यू विल लर्न क्रूशल, यू विल लूज क्रूशल टाइम. डोंट डू दैट. ठीक है. सेकेंड जो डाउट होता है कि अगर हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो क्या हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एकदम डीप में जाके सीखे या नहीं. द आंसर इज कोई जरूरत नहीं है. आपको इस तरह के डीप क्वेश्चंस में जाने की जरूरत नहीं है कि पाइथन वेरिएबल्स को कैसे स्टोर करता है मेमोरी में, या फिर इम्यूटेबिलिटी क्या होती है, म्यूटेबिलिटी क्या होती है, पाइथन स्लो क्यों है एग्जीक्यूशन के टाइम पे, सी के साथ कंपैरिजन कैसा रहेगा पाइथन का. इस तरह के क्वेश्चंस आपको आंसर करने की जरूरत नहीं है. यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. आप डेटा साइंटिस्ट बनने जा रहे हो. आप प्रोग्रामिंग को एज अ टूल ले रहे हो. आपके लिए प्रोग्रामिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है. ठीक है. नाउ लर्निंग रिसोर्सेज. ठीक है. मैंने अपने हिसाब से कंपाइल किया है. अब ऑब्वियसली आपको कुछ और चीजें मिल सकती है इंटरनेट पे, बट जितना मैंने आपको अभी तक बताया इतना पढ़ने के लिए ये लर्निंग रिसोर्सेज सफिशियंट होंगे. सबसे पहली चीज, एक जो बहुत ट्रस्ट वर्दी चीज आपके पास रहेगी वो है ऑफिशियल पाइथन का डॉक्यूमेंट. इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ. सो ये पाइथन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है. यहाँ पे मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई और इसके अलावा जो भी चीजें पाइथन में होती हैं वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है. तो आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको पेज बाय पेज पढ़ जाओ बिकॉज बहुत टाइम लगेगा, बट इसको आप एक रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो. तो कभी भी अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये मैंने सही पढ़ा कि नहीं, यहाँ पे सही लिखा है कि नहीं, तो आप आकर के डॉक्यूमेंटेशन में उसको चेक कर सकते हो. तो दिस यू कैन यूज एज अ रेफरेंस मटीरियल. ठीक है. सेकेंड, बुक्स की अगर आप बात करो, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सी बुक सबसे अच्छी है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं 3 बुक्स आपको बताता हूँ जो आई फील की बहुत अच्छी बुक्स हैं स्पेशली फॉर बिगिनर्स. सबसे पहला है हेड फर्स्ट पाइथन. हेड फर्स्ट सीरीज अगर आपने कभी भी पढ़ी होगी किसी भी टॉपिक पे तो आपको पता होगा कि बिगिनर्स बहुत बिगिनर फ्रेंडली होता है और आपको यू नो एनिमेशंस और कार्टून्स के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझाने का ट्राई करता है. तो दिस इज अ गुड फर्स्ट बुक टू लर्न पाइथन. ठीक है. सेकेंड इज पाइथन क्रैश कोर्स. थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाता है बट बहुत अच्छा समझाया है. ठीक है. और लास्ट है थोड़ा और डिफिकल्ट, लर्न पाइथन द हार्ड वे. ठीक है. ये 3 बुक्स अगर आप अच्छे से पढ़ जाते हो तो फिर आप एक्सपर्ट बन जाओगे पाइथन में, विच इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड. ठीक है. अगर आप एक वेबसाइट की बात करो तो मैं पर्सनली एक वेबसाइट बहुत यूज करता हूँ वाइल लर्निंग पाइथन, स्पेशली जब मैं शुरू में पढ़ रहा था. इस वेबसाइट का नाम है प्रोग्रामिज और इसमें बहुत बढ़िया ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं और बहुत अच्छे से एग्जांपल्स दिए हुए हैं. एंड द गुड पार्ट इज कि साथ ही साथ आपको एक पाइथन एनवायरनमेंट भी मिला हुआ है कोड करने के लिए, तो आप कुछ सीखो साथ ही साथ उसको तुरंत कोड करके भी देख सकते हो. तो ये वेबसाइट भी आप एक बार चेकआउट करो. इसमें जो बेसिक लेवल पाइथन है वो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. ठीक है. तो दिस इज अ गुड वेबसाइट. अगर आप यूट्यूब चैनल्स की बात करो तो देर इज अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड कोरी शैफर. इस बंदे ने बहुत बढ़िया पाइथन के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखे हैं. आई विल शो यू. आई जस्ट गो टू यूट्यूब. सो दिस इज द यूट्यूब चैनल. इसके प्लेलिस्ट में यू वुड गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक फ्लास्क वगैरह के बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं. इवन पैंडास के ऊपर अच्छा ट्यूटोरियल्स हैं. और आपके जो बेसिक पाइथन है वो तो बहुत ही बढ़िया है. अराउंड 143 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है जो कि बहुत हाई क्लास है और इससे अगर आप पाइथन सीखो तो आप अच्छा सीख जाओगे. ठीक है. द सेकेंड यूट्यूब चैनल इज मेरा खुद का यूट्यूब चैनल. मुझे लगा थोड़ा मार्केटिंग खुद का भी कर लेते हैं, बट नो, ऑनेस्टली मैंने भी कुछ वीडियोस ऐसे बना रखे हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपको ओपी सीखना है तो मेरा ये वीडियो है डीप डाइव ओपी. इसमें मैंने विद इन 1 आवर आपको बहुत बढ़िया तरीके से ट्राई किया है ओपी पढ़ाने का. क्लासेस ऑन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनका रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या है, ये सब मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से दिखाया है. अगर आपको बिगिनर लेवल सिंटेक्स सीखना है तो मेरे पास एक प्लेलिस्ट है 100 डेज ऑफ पाइथन जो आई नो कंप्लीट नहीं हुई है, बट इतना हो गया इसमें कि आप बेसिक लेवल पाइथन सीख सकते हो. वेरिएबल्स क्या होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, लूप्स और इस तरह की सारी चीजें इस प्लेलिस्ट में कंप्लीटेड है, तो वो आप देख सकते हो. ऑल्सो मेरे चैनल पे आपको पैंडास का एक 21 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा और नंपाई का भी अराउंड 14 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जो स्टार्ट करने के लिए सफिशियंट है. ठीक है. तो ये 2 चैनल्स आप फॉलो कर सकते हो. और अब लास्ट पार्ट, मेरा क्या एडवाइस होगा अगर आप जस्ट पाइथन सीखना स्टार्ट कर रहे हो. पहला एडवाइस ये होगा कि बस पढ़ना मत. मतलब अगर आप सिर्फ पढ़ोगे प्रोग्राम कैसे किया जाता है तो इट विल नॉट वर्क. लर्निंग प्रोग्रामिंग इज अ स्किल. जैसे आप तैरना सिर्फ बुक पढ़ के नहीं सीख सकते, आपको उसके लिए सच में
पानी में कूदना पड़ेगा. सिमिलरली टू लर्न प्रोग्रामिंग यू विल हैव टू कोड. तो कोई कोई छोटे छोटे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ले लो, जैसा मैंने बोला कि एक यूनिट कन्वर्टर बना लो या फिर एक कैलकुलेटर बना लो, छोटी छोटी चीजें, और उसके प्रोसेस में आप ज्यादा सीखोगे रादर देन जस्ट यू आर जस्ट रीडिंग. उस प्रोसेस में आप ज्यादा नहीं सीख पाओगे, ठीक है. सेकेंड, एक गलती मत करना कि आपने एक किताब उठा ली, मैंने आपको दो तीन बुक्स बताई थी, आपने किताब उठाई और पूरा एंड टू एंड पढ़ने लग गए, दैट विल नॉट हेल्प. मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इस वीडियो में मैंने आपको जो रोड मैप दिया है पहले एक बार वो कंप्लीट कर लो, उसके बाद डेटा साइंस में घुस लो, और फिर साइड से आपको जितना पाइथन सीखना है आप सीखते जाओ. बट स्टार्टिंग के लिए ये गलती मत करना कि मैं एक्सपर्ट बनूंगा पाइथन में फिर डेटा साइंस में घुसूंगा, क्योंकि डेटा साइंस में एक्सपर्ट पाइथन डेवलपर्स की जरूरत नहीं है. डेटा साइंस में भी यू जस्ट नीड अ गाय जिसको पाइथन के साथ काम करना आता है, और बाकी उसका पूरा फोकस डेटा साइंस के प्रॉब्लम्स के ऊपर है, ठीक है. तो ये दो चीजें मुझे लगता है आपको बहुत हेल्प करेंगी अगर आप इसको सीरियसली फॉलो करोगे तो, ठीक है. सो दैट्स इट. बहुत तेजी से बोला मैं, आई होप जो मैं कन्वे करना चाह रहा था वो हो गया. बाकी जितने भी ये सारे रिसोर्सेज मैंने बताए हैं इनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं या फिर अगर आपको लगता है कि कोई और बढ़िया रिसोर्सेज हैं आपको जो पता है, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट्स में शेयर करो, बाकी लोगों को भी समझ में आएगा, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.